हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं यहां पर एसएससी से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी क्या है। एसएससी भारत में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स में योग्य अभ्यर्थियों या कैंडिडेट्स का चयन करने वाली एक संस्था है। एसएससी एग्जाम की योग्यता क्या है? भारत का कोई भी नागरिक जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम की योग्यता रखता हो, जैसे एमटीएस के लिए 10th, सीएचएसएल के लिए 12th, सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन, तो इस तरीके की यहाँ पर जो है इसमें योग्यता आपको रखनी चाहिए, तभी आप एसएससी के एग्जाम्स दे पाएंगे। उसके बाद एसएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है? एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल यानी 10+2, सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर जैसे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एसएससी के बाद ऑफिसर कैसे बन सकते हैं? एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करके आप केंद्र सरकार के अधीन उद्यमों या डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आप एसएससी सीएचएसएल क्रैक करके भी ज्वाइनिंग लेने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्रैक करके ऑफिसर पोस्ट या हायर रैंक के लिए जा सकते हैं। एसएससी किन पोस्ट के लिए एग्जाम करवाता है? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर, कैंट कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और टेक्निकल में जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट के लिए एग्जाम करवाता है। एसएससी एग्जाम पास करने वालों की सैलरी क्या होगी? एसएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है। जैसे एमटीएस वालों के लिए सैलरी पैकेज अलग होता है, सीएचएसएल वालों के लिए सैलरी पैकेज अलग होता है, सीजीएल वालों के लिए सैलरी पैकेज अलग होता है, जो दिल्ली पुलिस एसआई या कांस्टेबल जीडी वालों के लिए यहां पर सैलरी पैकेज अलग होता है, जूनियर इंजीनियर के लिए अलग होता है, स्टेनोग्राफर के लिए अलग होता है और ट्रांसलेटर के लिए जो सैलरी पैकेज है वो अलग अलग होता है। एसएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? एसएससी की परीक्षाओं में लेवल के हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एमटीएस में थोड़ा इजी लेवल के यानी 10th बेस के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में थोड़ा मॉडरेट लेवल के यानी 12th बेस ये होता है तो उसी के हिसाब से यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सीजीएल में आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल बेस होता है। आई होप कि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में थे वो सभी क्लियर हो गई होंगे। अब यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विद्या 24 को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई डाउट आपके माइंड में एसएससी से रिलेटेड हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं, हम जल्दी ही उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे।